मचा दिया बवाल, कर दिया कमाल। बांग्लादेश ने बैज बॉल वाले इंग्लैंड को पहले T20 में बुरी तरीके से हरा दिया है और इसी के साथ बैज बॉल की हवा निकाल दी है। वो बैज बॉल जो इस वक्त पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रहा है, उस बैज बॉल वाली टीम की हवा बांग्लादेश ने निकाल दी। व्हाट्सअप गाइज, अस्सलामु अलैकुम। अपनारा केवन आसेन, आशा करी सबाई भालो आसेन। आमी जुनेद, अपनारा देखते संग जुनेद अली ऑफिशियल। आमी अपनादेर जोन्नो आजकेर वीडियो प्ले करते जाच्छि, सबाई देखबेन, आशा करी सबाई देखबेन, भालो लागबे। आज मेरे साथ रिएक्शन देने के लिए मौजूद है मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर, आज अबू बकर के साथ मिलकर हम रिएक्शन देंगे। तो आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो है भारतीय मीडिया के हवाले से। अबू बकर, आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो इंडियन मीडिया के हवाले से है कि कल के मैच में बांग्लादेश ने अपसेट शिकस्त दिया इंग्लैंड को, जो कि वर्ल्ड की चैंपियन है। तो आज इसी हवाले से वीडियो देखने वाले हैं कि भारतीय मीडिया बांग्लादेश के बारे में क्या बात कर रहा है और बांग्लादेश ने यहाँ पर तारीख रकम की है कि इंग्लैंड की टीम, वो इंग्लैंड की टीम जो पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान को शिकस्त दी, भारत गई तो भारत को शिकस्त दी, और आज बांग्लादेश पहुंची है और बांग्लादेश इसको शिकस्त दे रहा है कि जो काम पाकिस्तान और भारत ना कर सके वो बांग्लादेश कर दिखा रहा है। तो आपने मैच देखा है अबू बकर इसका? जी जी, मैंने मैच देखा, तो काफ़ी टफ मैच था बांग्लादेश और इंग्लैंड का, तो मैच काफ़ी देखने में मज़ा आया। तो आज के बाद अबू बकर को भी मैं कोशिश करूंगा कि अपने साथ रिएक्शन में शामिल करूं ताकि इसको भी बांग्लादेश के बारे में मजीद मालूमात मिल सके। तो आज इंडियन मीडिया बहुत ही ज़्यादा खुश है और इंग्लैंड की शिकस्त के ऊपर बांग्लादेश की तारीफ कर रहा है, बांग्लादेश की तारीफ कर रहा है और इंग्लैंड की हवा निकाल दी, ये अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है। तो भारतीय मीडिया बांग्लादेश की किस तरह तारीफ कर रहा है और अंग्रेज़ों की किस तरह धुलाई कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हैवी बेसबॉल वालों की हवा दी निकाल, बेसबॉल वालों की हवा दी निकाल, बांग्लादेश बना इंग्लैंड के लिए पहले T20 में काल। जी हां, मचा दिया बवाल, कर दिया कमाल। बांग्लादेश ने बैज बॉल वाले इंग्लैंड को पहले T20 में बुरी तरीके से हरा दिया है और इसी के साथ बैज बॉल की हवा निकाल दी है। वो बैज बॉल जो इस वक्त पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रहा है, उस बैज बॉल वाली टीम की हवा बांग्लादेश ने निकाल दी। अपने घर पर खेल रहे इस T20 में बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हरा दिया है और बहुत ही रोमांचक ये मुकाबला रहा है बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और कुल 20 ओवर में इंग्लैंड ने बनाए थे 156 रन। इंग्लैंड की तरफ से कप्तान जॉस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी की और हमेशा की तरह एक बार फिर से चमके। 42 गेंदों पर शानदार 67 रन बनाए 159 के स्ट्राइक रेट के साथ, और उनके अलावा सिर्फ फिल सॉल्ट ही रहे जो बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने टिक पाए। फिल सॉल्ट ने 35 गेंदों पर 38 रन बनाए और इन दोनों के ही सहयोग से इंग्लैंड की टीम 156 बोर्ड पर लगा पाई। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और उसका उनको फायदा भी मिला। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत बेटर रही। लिटन दास 12 बनाकर आउट हो गए, रोनी तालुकदार ने 21 बनाए, यानी कि ओपनर्स ने थोड़ा बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। इसके बाद शंतो ने शानदार बल्लेबाजी की, 30 गेंदों पर 51 बनाए। इसके अलावा तौहीद हृदय ने 17 गेंदों पर 24 बनाए और फिर बाकी का काम कर दिया कप्तान शाकिब अल हसन ने, जिन्होंने 24 गेंदों पर 34 नाबाद बनाकर इस मैच को बांग्लादेश की झोली में डाल दिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहला T20 था जो कि चटगांव में खेला जा रहा था इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच। अब दो T20 सीरीज के बाकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश इस सीरीज को जीत पाती है या फिर नहीं, क्योंकि बांग्लादेश अपने घर पर बहुत ही तगड़ी टीम मानी जाती है, कई सीरीज जीत चुकी है, बड़ी बड़ी टीमों को वो यहां पर हरा चुकी है और अब तो उसने वर्ल्ड कप विजेता, वर्ल्ड चैंपियन जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, उस इंग्लैंड की टीम को T20 क्रिकेट में हरा दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले बांग्लादेश 2021 में बड़ा कारनामा कर चुकी है जब 5 मैचों की T20 सीरीज में उसने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया था। तब ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश में T20 सीरीज खेलने आई थी और किसी को भी यकीन नहीं था कि बांग्लादेश इतना बड़ा कारनामा कर देगी और ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से रौंद देगी। इसके अलावा न सिर्फ T20 में बल्कि वनडे में भी और साथ ही साथ टेस्ट फॉर्मेट में भी घर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है बांग्लादेश की टीम,
और जितना खतरनाक ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में मानी जाती है, कुछ वैसा ही खतरनाक टीम बांग्लादेश बांग्लादेश में मानी जाती है। भले ही बांग्लादेश बाहर जाकर बहुत अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए, भले ही वो एशिया कप में T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन घर पर वो तगड़ा परफॉर्मेंस करती है और एक बार फिर से उसने वही करके दिखा दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। किसने सोचा था वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड, बेस्ट बॉल इंग्लैंड, वो बांग्लादेश से हार जाएगा, लेकिन बांग्लादेश ने ये भी कारनामा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह तारीफ की जा रही है बांग्लादेश की टीम की, कि बांग्लादेश की टीम बहुत ही खतरनाक टीम है अपने घर के अंदर बांग्लादेश के अंदर। तो हमने देखा कि यहाँ पर बात ऑस्ट्रेलिया की गई कि ऑस्ट्रेलिया को किस तरह शिकस्त दी थी पिछली सीरीज के अंदर, के T20 के अंदर 5 T20 के अंदर 4-1 से शिकस्त दी थी बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश के अंदर एक खतरनाक टीम है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि बांग्लादेश वर्ल्ड की चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त देगा, लेकिन बांग्लादेश ने कर दिखाया, बांग्लादेश ने इंग्लैंड को रौंद डाला कल के T20 के अंदर और आने वाले 2 T20 के अंदर बांग्लादेश एक दफा फिर इंग्लैंड की क्लास लेगी और इंग्लैंड को अब सबक सिखाएगी कि आप बांग्लादेश में आकर किस तरह जीत कर जाती हैं। तो इंग्लैंड के खिलाफ बांग्लादेश की बड़ी जीत के ऊपर अबूबकर भाई आप क्या कहते हैं? जी, बांग्लादेश की टीम जो है काफ़ी टफ, काफ़ी अच्छी टीम है खेलने के लिहाज से, जो उनके घर के अंदर ही उन्होंने अपने घर के अंदर रहकर दूसरी टीमों को जैसे शिकस्त दी, बहुत अच्छा मैच हुआ। जो 2021 का मैच तो बांग्लादेश ने अपने घर के अंदर सीरीज़ खेली थी उसमें ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी, तो काफ़ी अच्छी टीम जा रही है बांग्लादेश की। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त खेल पेश किया है और आज यही वजह है कि भारत भी आज तारीफ कर रहा है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ख़तरनाक टीम होती है, इसी तरह बांग्लादेश के अंदर एक ख़तरनाक टीम है जो टफ टाइम दे रही है दूसरी टीमों को और ये पैगाम दे रही है कि बांग्लादेश के अंदर आकर हमें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और बांग्लादेश ने ये साबित भी किया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, या फिर वेस्ट इंडीज़ या पाकिस्तान के खिलाफ, तो बांग्लादेश ने हर बार अपने घर के अंदर जो भी सीरीज़ खेली है इसमें ख़तरनाक हरीफ साबित हुई है और बांग्लादेश के अंदर खेले जाने वाले मैचेस के अंदर टफ टाइम देती हुई नज़र भी आई है। जैसा कि हमने कल के मैच में देखा कि इंग्लैंड जो कि वर्ल्ड की चैम्पियन है उसके खिलाफ भी ज़बरदस्त खेल पेश करते हुए नज़र आई बांग्लादेश की टीम। तो ये थी आज की वीडियो, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।